ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग जो है सप्लीमेंट्री रीडर के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम विस्टास है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। देखिए, तीन चैप्टर अपने में काफी होता है। कौन कौन से तीन चैप्टर? सबसे पहला आपको दिया है जो है द थर्ड लेवल, ठीक है, उसके बाद जो है द टाइगर किंग और उसके बाद जो है द एनिमी। इन तीनों चैप्टर का अगर आप तैयार करेंगे तो अपने आप में ये लॉन्ग फंसा ही देगा, कंफर्म इसमें से एक लॉन्ग आ जाएगा। लेकिन हमने एक और चैप्टर को इसलिए रखा है कि अगर पेपर कभी कभी जाहिर है, देख ही रहे कि पेपर जो है कभी कभी इधर का उधर भाग जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो है ये चैप्टर तो उसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार चैप्टर का हमने दिया है लॉन्ग और कुल मिला के जो टोटल आठ लॉन्ग हो रहा है, लेकिन छह लॉन्ग जो है अपने आप में काफी है, उतना में आपका जो है पूरा का पूरा पेपर पक्का फंस जाएगा। लॉन्ग आंसर आपको कैसे याद करना है, देखिए इन्हीं सभी चैप्टर्स का अगर आप शॉर्ट आंसर याद कर चुके हैं तो आपको क्या है उनको मिला के अपने आप में लॉन्ग बन जाता है, या अगर आप इन सबका लॉन्ग याद कर लेते हैं तो देखेंगे इसी लॉन्ग में से बहुत सा शॉर्ट भी आपको याद हो जाता है। इसलिए लॉन्ग शॉर्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हमने लॉन्ग बता दिया, आप उस चैप्टर्स के लॉन्ग पढ़ लीजिएगा और उसी चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर भी तैयार कर लीजिएगा। देखेंगे कि आपका लॉन्ग शॉर्ट एकदम मैच कर गया और आपका जो है फंस जाएगा, आप आराम से उसको जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका जो है पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहला द थर्ड लेवल चैप्टर की, इसमें हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल टू एस्केप, ठीक है, सिंबल ऑफ एस्केप, ठीक है, ये बात हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई, ठीक है, ये दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। दूसरा अगर हम बात करें द टाइगर किंग की बात करें तो इसमें क्या है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, ये बात है। दूसरा क्या है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ द 100th वाज फाउंड एंड हंटेड डाउन, 100th क्या 100th टाइगर, ठीक है, 100वां जो बाघ है वो कैसे मिला और उसको कैसे मारा गया, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इस लेसन पे याद करें द एनिमी, इसमें आपको जो है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हना, हना का कैरेक्टर स्केच, और उसके बाद क्या है डिस्क्राइब सदाव एज ए ट्रू डॉक्टर, सदाव को एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर, सच्चे डॉक्टर के तौर पर बताना है। फिर इसके बाद इस चैप्टर की अगर बात करें, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बात क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो ये चैप्टर दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर तीसरे नंबर पर ये, और सबसे कम इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन इसको हमने इसलिए रखा है ताकि अगर पेपर हार्ड भी आए तब भी आप लोग निकाल लें, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू द टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जाने की यात्रा के बारे में बताना है। फिर उसके बाद इन व्हाट वे हैव द ह्यूमंस अफेक्टेड ग्लोबल फिनोमिनन, ठीक है, ग्लोबल फिनोमिनन जो है ह्यूमंस किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, इसके ऊपर जो है आपको एक निबंध तौर पे इसका आंसर लिखना है, ठीक है, ये बात हो गया। तो ये हो गया आपका आठ के आठ लॉन्ग। अब बात करते हैं अगली वीडियो शॉर्ट के बारे में, हम बताने वाले थे लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन को सोच रहे ना बताएं, आप लोग इन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर याद कर लीजिए अपने अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने अपने बुक से, तो आपको जो है बहुत आराम से आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो बस इंग्लिश का इतना ही इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, बाकी सब प्रैक्टिस पे है, बाकी कुछ बताना नहीं, बाकी सब प्रैक्टिस पे, लेटर्स आर्टिकल हो ही चुका है और जो है लॉन्ग क्वेश्चन हो ही चुका है, बाकी सब प्रैक्टिस पे, ग्रामर प्रैक्टिस पे और सभी चीज प्रैक्टिस पे। अब बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसके ऊपर जो है वीडियो आएगा या हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कराने के लिए जैसे हमने बहुविकल्पी का प्रैक्टिस कराया था एमसीक्यू का, उसी तरह जो है इसका प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस में से आप देखेंगे एग्जाम के समय जो है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, चैनल के साथ बने रहिए, जो चैनल पर आए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन मिलता रहे और बाकी भी जो भी अगले एग्जाम है उनकी तैयारी उनका बेस्ट तरीके से होता रहे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, जय हिंद।